पेन है क्या आपके पास? पेन? पेन यार इसमें होल, इसमें होल निकालना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? हाँ सर। ठीक है, और दिखाई भी साफ दे रहा है। यस सर। ठीक है, कीर्ति कीर्ति हेलो, गुड मॉर्निंग। दिख रहा गुड बेटा? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साफ दिख रहा ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। लावा, अंजलि, सर आवाज नहीं आ रही क्या? आपको हाँ यस सर आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। और दिख भी रहा ना साफ? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब एक काम करो, अपनी आवाज को म्यूट कर लो, क्लास चालू करते हैं। देखो, 2 दिन से आपकी 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब क्लास क्यों नहीं हो पाई? वो कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन हम उसकी भरपाई कर लेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास लेकर हो जाएगा। ये पढ़ रहे थे हम कृषि के चरण, ये पढ़ रहे थे ना कृषि के चरण। और कृषि के चरण में हमने सबसे पहले पढ़ा था भूमि को तैयार करना। भूमि को तैयार करने के बाद बुआई, और बुआई के बाद मैंने बताया था तुम्हें खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, तो खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। अभी मुझे क्या पढ़ाना है? अंतर स्थापित करना है बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। पॉइंट नंबर 3, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं, बेटा आवाज आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। ये जो लावा मोबाइल है किसका? आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो, पढ़ना क्या हमें? खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। खाद क्या होता है? खाद के बारे में मैंने तुम्हें जानकारी दी थी। खाद हम 3 तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक हरी खाद, एक वर्मी कंपोस्ट, एक घरेलू खाद। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी समझाया था कि उर्वरक क्या चीज है। उर्वरक में वही सारी क्वालिटी होती है जो खाद में होती है। फर्क इतना सा है कि खाद हम घर पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उर्वरक हम घर पर तैयार नहीं कर सकते। खाद और उर्वरक में क्या क्या डिफरेंसेज है, इनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, वो मैं एक अंतर के रूप में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप केयरफुली वीडियो वॉच करोगे, ध्यान दोगे। अब क्या करेंगे, हमें अंतर स्थापित करना है ना। और ध्यान रखना बेटा, अंतर कैसे किया जाता है? अंतर बताने के लिए बीच में लाइन खींची जाती है। मान लो आप कोई भी 2 चीजों में अंतर बता रहे हो, या कोई भी 3 चीजों में अंतर बता रहे हो, तो उनकी हेडिंग डालकर उनके बीच में क्या खींच दी जाती है? लाइन खींच दी जाती है। ठीक है, तो एक तरफ तो लिखू मैं खाद, ठीक है, और एक तरफ मैं लिखू उर्वरक। एक तरफ खाद और एक तरफ हम लिखेंगे उर्वरक। अब देखो, खाद एवं उर्वरक,
अब देखो पढ़ना क्या हमें, हमें पढ़ना ये है खाद और उर्वरक के बीच में अंतर स्थापित करना है, खाद एवं उर्वरक। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हम लिखेंगे कि खाद घर पर तैयार किया जाता है, खाद घर पर तैयार किया जाता है, खाद घर पर तैयार किया जाता है। जबकि अगर बात करें उर्वरक की तो उर्वरक कहां पर तैयार किया जाता है, उर्वरक फैक्ट्री में या फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो चुका है। पहला पॉइंट है कि खाद घर पर तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक कहां पर तैयार किया जाता है, उर्वरक तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। पॉइंट नंबर टू। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि खाद में ह्यूमस की मात्रा, खाद में ह्यूमस की मात्रा, बेटा एक बार एक काम करता हूं, पहले मैं ये अंतर लिख देता हूं, पहले पूरे पॉइंट लिख देता हूं, फिर एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ठीक है, फिर भी आप देखते रहना मैं क्या लिख रहा हूं। खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जबकि बात करें उर्वरक में तो उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह हो गया सेकंड पॉइंट। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में देखो खाद में खनिज लवणों की संख्या कम होती है, खाद में खनिज लवणों की संख्या कम होती है। खाद में खनिज लवणों की संख्या कैसे होती है, कम होती है, जबकि हम बात करें उर्वरक की तो उर्वरक में खनिज लवणों की संख्या, खनिज लवणों की संख्या, खनिज लवणों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, खाद में खनिज लवणों की संख्या कम होती है जबकि उर्वरक में खनिज लवणों की संख्या कैसे होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर तीन। और अगर इसमें पॉइंट बनाना चाहे हम पॉइंट नंबर चार, खाद को बनने में समय अधिक लगता है, खाद को बनने में समय अधिक लगता है जबकि उर्वरक कम समय में तैयार हो जाते हैं, कम समय में तैयार हो जाते हैं। पॉइंट नंबर पांच। और पॉइंट नंबर पांच आप देखो बेटा, पॉइंट नंबर जो पांच है उसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल डालना है। एग्जाम्पल का मतलब खाद के तीन एग्जाम्पल बताए थे मैंने, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, घरेलू खाद। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, एंड फाइनली जो थर्ड है हरी खाद वर्मी कंपोस्ट, और तीसरा कौन सा है, वो है घरेलू खाद। वो कौन सा हो गया, घरेलू खाद। और अगर बात करें इधर पांचवें पॉइंट में, इधर आपको एग्जाम्पल डालना है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे यूरिया, यूरिया के साथ पोटास,
पोटास के साथ जिप्सम, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिप्सम, डीएपी और एक है एनपीके। एनपीके कल कहा था ऐसे क्या? चलो देखो बेटा, खाद अनुरूपक में कितने अंतर पढ़ लिए हमने? 5 अंतर। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, एक एक पॉइंट को वन बाई वन समझाता जाऊंगा। सबसे पहले ध्यान देना, खाद घर पर तैयार होता है और खाद तैयार करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। खाद कैसे तैयार होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। घरेलू खाद कैसे तैयार होता है? घरेलू खाद में हम क्या करते हैं, गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, ठीक है, उनका जो गोबर होता है उनको उठा के एक जगह रख देते हैं। अब आप नोटिस करना, जैसे मान लो गाय भैंस के गोबर को हमने एक जगह डाल दिया, गाय भैंस के गोबर को हमने एक जगह डाल दिया। अब जैसे ही गोबर को खुली हवा में छोड़ा जाता है तो खुली हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, खुली हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जाकर उस गोबर में घुस जाते हैं और वो बैक्टीरिया उस गोबर को क्या करते रहते हैं, गलाते रहते हैं और गला गला कर उसका क्या तैयार कर देते हैं, खाद तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो खाद घर पर तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक कहाँ पर तैयार हो रहा है? उर्वरक तैयार होता है फैक्ट्रियों के अंदर, उर्वरक हम घर पर तैयार नहीं कर सकते, उर्वरक तैयार होता है फैक्ट्रियों में। दूसरी बात, खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ह्यूमस में आप पहले, ह्यूमस क्या चीज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो ह्यूमस क्या है, ह्यूमस सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी जड़ें, उनका तना, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये जितना भी कचरा है इन सबसे जो तैयार होता है उसे खाद तैयार होता है। लेकिन ऐसा खाद जिसमें फलों के छिलके हो, सब्जियों के छिलके हो, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की शाखाएं हैं, उनमें ह्यूमस ज्यादा होता है। मतलब ह्यूमस बनता किससे है? फलों के छिलकों से, सब्जियों के छिलकों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से। जब ये गल जाती है तो उससे खाद बनता है, लेकिन उस खाद में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है और उसी खाद में ह्यूमस ज्यादा होता है जिस खाद में पेड़ पौधों के फल वगैरह के छिलके हो, सब्जियों के छिलके हो, पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखाएं, टहनियां, तने, उनके छोटे मोटे टुकड़े हो, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ह्यूमस का मतलब ही ये है, पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हो गई किसके अंदर, खाद में। और अगर मैं बात करूं उर्वरक, तो उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम है क्योंकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार होता है। तो उर्वरक में हम ना तो फलों के छिलके डालते हैं, ना सब्जियों के छिलके डालते हैं, ना पेड़ पौधों की पत्तियां डाली जाती है, वो तो फैक्ट्री में कहां से लेके आओगे आप, ठीक है। इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। खाद में खनिज लवणों की संख्या कम होती है, लेकिन ध्यान रखना जो खाद है ना, खाद उसमें खनिज लवण कम होते हैं। और खनिज लवण कौन से? नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लोहा, आयोडीन, ये जितने भी खनिज लवण है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, ठीक है, जितने भी खनिज लवण है उनकी मात्रा कम होती है किसमें, खाद में। लेकिन खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा होती है किसके अंदर, खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा है किसके अंदर, इनफर्टिलाइजर, उर्वरक के अंदर। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो खाद को बनने में समय अधिक लगता है। गाय भैंस का गोबर हमने बाहर डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट केचवे लाकर छोड़, इनमें टाइम लगता है, बैक्टीरिया आएंगे, उससे क्रिया करेंगे, फिर उसको गलाएंगे, तो टाइम लग जाता है बनने में। जबकि जो उर्वरक है वो हम बिल्कुल कम समय में फैक्ट्री के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं। फाइनली द पॉइंट इज 5। पांचवे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपको डालना है हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और घरेलू खाद। इधर एग्जाम्पल यूरिया, पोटास, जिप्सम, डीएपी और एनपीके, ठीक है, यूरिया, पोटास, जिप्सम, डीएपी और एनपीके। तो ये एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार हो गया कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। इसको उतार लो बेटा एक बार, पहले उसको उतारो फटाफट, उतारो। सर साफ नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा ना सर। कहां से, यहां से नहीं दिख रहा क्या? अच्छा रुको एक बार,
अभी दिख रहा है? यस सर। देखो बेटा उतारो, फटाफट उतारो। सर। हाँ बेटा। सर जो ये दिख लिए वो क्या? सर ये मैंने दिख लिया। अच्छा उतार लिया, मिटा दूँ? हाँ मिटा दूँ क्या? यस सर मैंने मिटा दो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इधर ही ले लो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। कौन सा? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अब ले लो पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर और पॉइंट नंबर चार कौन सा है? पॉइंट नंबर चार बताया था मैंने कौन सा? सिंचाई, इरिगेशन। दिख रहा ना आराम से? चलो चौथा पॉइंट समझाता हूं मैं, सिंचाई वाला। देखो ध्यान देना, पॉइंट नंबर चार और पॉइंट नंबर चार क्या है? सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? आप सब लोग जानते हो सिंचाई का मतलब होता है फसल को या पेड़ पौधों को पानी देना, क्या कहलाता है? सिंचाई। जैसे मान लो जो भी फसल आपने बो रखी है, जो भी बीज आपने उगा रखे हैं, जिस भी किस्म की फसल आपने लगा रखी है, उस फसल को बार बार पानी देना, उस फसल को बार बार जल की पूर्ति करवाना, क्या कहलाता है? सिंचाई। यानी कि फसल को बार बार पानी देना, फसल को बार बार पानी देना सिंचाई कहलाता है। फसल को बार बार पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जो भी फसल आपने बो रखी उसको अगर बार बार आप पानी दे रहे हो तो बार बार पानी देना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? बार बार पानी देना कहलाता है सिंचाई। अब सुनना ध्यान से, सिंचाई करने के दो तरीके हैं। सिंचाई करने के दो तरीके हैं। दो तरीके से मेरा मतलब है, एक तो वो तरीका है जो प्राचीन काल में किया जाता था। प्राचीन काल से मतलब है पुराने समय में। अगर हम थोड़ा सा पहले जाए, फ्लैशबैक में जाए, हमारे जन्म से पहले जाए, हमारे दादा पड़दादा के जन्म से भी पहले जाए हम, तो पहले खेती कैसे की जाती थी? पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, बिजली तो थी नहीं कि बोरिंग में से पानी आ गया या कुआं चला दिया पानी आ गया, ठीक है? और ना ही पहले मोटर थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मोटर नहीं थी, ना डीजल पंप था, डीजल पेट्रोल ऐसे थे नहीं, तो उनका तो यूज होता नहीं था। तो पहले सिंचाई कैसे की जाती थी? एक तो वो तरीका। और आज के समय में सिंचाई कैसे की जाती है? एक वो तरीका। तो सिंचाई करने के दो तरीके हो गए, एक तो परंपरागत तरीका, और परंपरागत से मतलब है पुराना तरीका, और एक है आधुनिक तरीका, ट्रेडिशनल मेथड, आज का तरीका, ठीक है? तो उनका मैं एक चार्ट बना देता हूँ, सिंचाई कैसे की जाती है, पहले सिंचाई कैसे होती थी और आज सिंचाई कैसे होती है। अगर हम ये पढ़ें तो ध्यान देना, सिंचाई को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में? दो। अब दो पार्ट कौन से हैं ध्यान देना, देखो दो पोर्शन कौन से है? एक तो है आधुनिक विधि, एक तो कौन सी विधि है? आधुनिक विधि। और दूसरी जो विधि है वो है परंपरागत, आधुनिक विधि, और दूसरी विधि कौन सी है?
परंपरागत विधि, परंपरागत विधि, ठीक है। अब परंपरागत विधि से मतलब हम पढ़ क्या रहे तुम्हारे दिमाग में, तो ना हम पढ़ रहे हैं सिंचाई कैसे की जाती है, और सिंचाई का मतलब होता है फसल को पानी देना। अब पानी देने के दो तरीके हैं, फसल को पानी देने के दो तरीके हैं, एक तो परंपरागत विधि, और परंपरागत विधि से मेरा मतलब है पुरानी विधि, कि प्राचीन समय में, पहले के समय में फसलों को या खेत को पानी कैसे दिया जाता है, और आधुनिक विधि से मतलब है आज के समय में, आज के समय में खेत या फसलों को पानी कैसे दिया जाता है। ये आज का टाइम है, आज का समय, और ये कौन सा समय है, प्राचीन समय, प्राचीन समय। तो देखो आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं, आज के समय की अगर मैं बात करूं, तो आज दो तरीके से खेत को पानी दिया जाता है, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोगों ने देखा भी है। पहला जो तरीका है खेत को पानी देने का, एक तो है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप आता है ना, ड्रिप बूंद बूंद की सिंचाई करते हैं, छोटी छोटी नलियां निकालते हैं, या प्लास्टिक की बनी होती है, छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनमें छोटे छोटे होल होते हैं, और उन होल्स को जो भी फसल आपने बो रखी है, जिस भी फसल के पौधे हैं उनकी जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, वहां तक उनको लीव किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, वो तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप ध्यान रखना आधुनिक विधि। अब आधुनिक विधि को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, टू पोर्शन। अब टू पोर्शन कौन सा है, द फर्स्ट पोर्शन इज, एक तो है फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति, ठीक है, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पद्धति। दो सिस्टम है, एक तो है फव्वारा पद्धति और एक है ड्रिप पद्धति। फव्वारा, जो फव्वारा लगाते हैं खेत में, देखा होगा फव्वारे चलते हैं, जिनको नोजल भी बोलते हैं, फव्वारे लगे रहते हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर, और चारों तरफ घूम घूम के पानी गिराते रहते हैं, वो फव्वारा वाला है। ड्रिप का मतलब है बूंद बूंद की सिंचाई। अब ये तो है आधुनिक विधि, आज के तरीके में खेती की जाती है इनसे, और अगर मैं बात करूं परंपरागत, तो परंपरागत या प्राचीन विधि कौन सी है, ध्यान देना, इनके अंदर एक तो है रहट, एक तो है रहट, दूसरा है मोट एकली। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है कोई? नो सर। दिखाई दे रहा है आराम से? यस सर। समझ में आ रहा है, आवाज भी सही आ रही है? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करो। देखो आधुनिक तरीके से अगर आज के समय अगर हम पानी देते हैं खेत को, वो तो दो तरीके से देते हैं, एक तो फव्वारा चलाकर और एक ड्रिप सिस्टम से। और अगर मैं बात करूं ना पहले के समय, पहले खेतों को पानी कैसे दिया जाता है, उसकी बहुत सारी विधियां हैं, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा बाद में, फिलहाल मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। एक तो है रहट, रहट, रहट। दूसरी जो विधि है प्राचीन विधि, पुराने समय की विधि, उसका नाम है मोट, एक रहट एक मोट। तीसरी जो विधि है वो है चड़स, तीसरी जो विधि है वो है चड़स, विधि नंबर फोर। चौथी जो विधि है रहट है, मोट है, चड़स है, और एक चेन पंप। एक कौन सी विधि है, चेन पंप। तो ये चार विधियां आपको पढ़नी है, रहट, मोट, चड़स, चेन पंप, और एक और हम पढ़ सकते हैं डीजल पंप, वो एक ही बात है, चेन पंप या डीजल पंप। अब हमें क्या करना है, इनको वन बाय वन पढ़ना है। लेकिन अब देखो कितनी विधियां आपको पढ़नी है, एक दो तीन चार पांच छह, कितनी विधियां पढ़नी है आपको, छह विधियां। तो सबसे पहले पढ़ोगे आप फव्वारा पद्धति, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, फव्वारा पद्धति, उसके बाद में क्या पढ़ोगे, ड्रिप वाला, उसके बाद में रहट, उसके बाद में मोट, उसके बाद में चड़स, उसके बाद में चेन पंप। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आधुनिक विधि, आज के समय में खेती कैसे की जाती है, आज के समय में सिंचाई कैसे की जाती है, उसकी कितनी विधियां हैं, उनको डिटेल से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है आधुनिक विधि वाला, पहला पोर्शन कौन सा आया, आधुनिक विधि। आधुनिक विधि, ट्रेडिशनल मेथड, सॉरी, हाँ ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न, मॉडर्न मेथड,
आज का सा मॉडर्न मेथड, ठीक है। और जो मॉडर्न मेथड है, जो आज का समय आधुनिक विधि है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। जिसका पहला पोर्शन कौन सा है? जिसका पहला पोर्शन है हमारा सिस्टम या हमारा पद्धति। हमारा पद्धति, देखो हमारा पद्धति जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो ध्यान देना, वापस बता रहा हूं एक बार, हम पढ़ क्या रहे हैं? आधुनिक विधि। और आधुनिक विधि से मेरा मतलब है कि आज के समय में, आज की बात करूं मैं, प्रेजेंट टाइम की बात करूं, इस समय किसान या लोग खेती कैसे करते हैं, खेती करते हैं तो उस खेत में पानी कैसे देते हैं। तो पानी देने के दो तरीके हैं आज के समय में। एक तो है फव्वारा पद्धति, एक तो है फव्वारा पद्धति जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये जो फव्वारा पद्धति है, जो गांव वाले बच्चे हैं, जो गांव से हैं, वो तो इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब फव्वारा पद्धति के द्वारा पानी कैसे दिया जाता है वो समझ लेना ध्यान से। मान लो, पूरा डिटेल से बता रहा हूं, मान लो ये है एक खेत, ये है एक खेत, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत मान लो, तुम्हारा मान लो, ठीक है। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा बन गया खेत ही, ये लो ये खेत है। अब ध्यान रखना, और इस खेत में मान लो हमने यहाँ पर फसल बो रखी है, हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, फसल बो रखी है। ये फसल के पौधे मान लो आप ऐसे, ये फसल का पौधा, ये फसल का दूसरा पौधा, ये फसल का तीसरा पौधा, ये फसल का चौथा पौधा, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे पौधे बताने हैं आपको। ये फसल के पौधे हैं। अब ध्यान देना, मान लो हमारा पद्धति से पानी कैसे दिया जा रहा है वो समझा रहा हूं। ये खेत है और ये हमने इसमें क्या बो रखी है, फसल बो रखी है। और मान लो खेत के बाहर, ये खेत है तो इसके जस्ट इधर भी जमीन ही होगी, खेत के बाहर यहाँ पर आपका ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल जानते हो ना, जिसको हम बोलते हैं बोरिंग बोलते हैं, जिसमें से पानी आता है, ये ट्यूबवेल है और इसमें से पानी आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। अब इस पानी को पहुंचाना है इस फसल तक, इस पानी को पहुंचाना है इन पौधों की जड़ों तक। अब यहां से क्या किया जाता है, जैसे मान लो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से एक मेन पाइप लगाया जाता है ऐसे, ये एक पाइप लगा दिया, ये एक मेन पाइप आ गया यहां तक, और इस पाइप को यहां पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसा भी सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। अब ये यहां से नीचे से पानी आएगा, पानी आएगा तो पानी तो इधर जाएगा ना, और यहाँ जाकर तो हमने पाइप का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस पानी को निकालना है, इस मुंह को आप खोलोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, लेकिन पानी चारों तरफ फैल जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, और जबकि हमें पानी इन पेड़ों तक पहुंचाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पाइप लाइन लगानी है, एक पाइप, ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप और ये चौथा पाइप। पाइप उतने ही लेने जहां तक इन पेड़ पौधों तक पहुंच जाए, उतने ही पाइप हमें ऐड करना है जहां तक हमने खेती कर रखी है, जहां तक हमने फसल लगा रखी है। तो कितने पाइप ऐड कर दिए, चार पाइप, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप हो रही है, चौथा पाइप। अब इस पाइप को जोड़ना है यहाँ पर, देखो ये जो मेन पाइप आ रहा है ना, मेन पाइप, ये मेन पाइप एक नहीं है, ये भी बहुत सारे पाइप को जोड़ जोड़ कर बना रखा है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर बैंड लगा दो या कोई भी टी लगा दो, इस पाइप को कनेक्ट किया गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये वाली खाली जगह नोटिस करना बच्चों, ये जो खाली जगह है इस मुंह को बंद कर दिया यहाँ पर। अब ये तो खाली जगह है ना, यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर भूमि से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। जैसे मान लो ये मेरा हाथ भूमि है और
पाइप तो पाइप कैसे बिछाए जाते हैं, भूमि के समतल क्षैतिज, जैसे भूमि है ना उसी की तरह पाइप बिछा दिए जाते हैं, लेकिन पाइप के बीच बीच में एक लोहे का बना क्या लगाया जाता है, नोजल, और नोजल को ऐसे खड़ा किया जाता है, आप समझ रहे होंगे, जिसमें से पानी चारों तरफ फैलता है, छिड़का जाता है, ऐसे नोजल को खड़ा किया जाता है। भूमि से नोजल को कैसे लगाया जाता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। तो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये वाली जगह, यहाँ पर ऐसे नोजल लगा दिया जाता है खड़ा, यहाँ पर भी ऐसे नोजल लगा दिया जाएगा खड़ा, यहाँ पर भी ऐसे नोजल लगा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे नोजल लगा दिया। अब ये जो इसका मुंह है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, यहाँ पर ऐसे नोजल लगा दिया खड़ा, ये नोजल लग रहा है, यहाँ पर भी ऐसे नोजल लगा दिया खड़ा, यहाँ पर भी ऐसे नोजल लगा दिया खड़ा। अब ये जो नोजल है ना, नोजल जैसे मान लो ये नोजल है, तो जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि इधर से पानी आएगा, पानी इधर जाएगा, अब पानी इसके ऊपर चढ़ेगा, ऐसे पानी इसमें भी चढ़ेगा, ऐसे पानी इसमें भी चढ़ेगा, तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो नोजल का जो ऊपर वाला मुंह होता है ना, ऊपर वाला मुंह, इसमें छेद होता है जिसमें से पानी निकलता है, यहाँ पर छेद होगा जिसमें से पानी निकलेगा, और यहाँ पर एक घूमने वाला नोजल स्प्रे लगा रहता है, जैसे ही पानी का प्रेशर लगेगा वो नोजल घूमता जाएगा और पानी चारों तरफ छिड़कता हुआ जाएगा, ऐसे गिरता रहेगा, जैसे ही पानी यहाँ तक पहुंचेगा, पानी इस नोजल पर, यहाँ पर नोजल लग रहा है ना, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, प्रेशर से ये नोजल क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा और घूम घूम कर पानी गिराता रहेगा, ऐसे ये वाला घूम घूम कर पानी गिराता रहेगा, ये वाला घूम घूम कर पानी गिराता रहेगा, ये वाला घूम घूम के पानी गिराता रहेगा। अब देखो जो सिस्टम यहाँ पर किया है ना बाई पाइपलाइन, वैसे के वैसे ही सिस्टम यहाँ पर भी किया जाता है, यहाँ पर पाइप जोड़ दिया, ये पाइप जोड़ दिया, ये पाइप जोड़ दिया, ये पाइप जोड़ दिया, ये पाइप जोड़ दिया, बीच बीच में क्या लगा दिए, नोजल, बीच बीच में नोजल, अब यहाँ पर भी पानी जाएगा, ये छिड़कता रहेगा ऐसे, तो सोचो पूरे खेत में हो गया ना पानी, यहाँ पर भी पाइपलाइन लगा दी जाती है ऐसे, ये बीच बीच में नोजल और यहाँ पर भी पानी जाता रहेगा ऐसे, तो देखते ही देखते पूरे खेत में क्या दे दिया गया, पानी, और यहाँ पर जो पानी जा रहा ना वो पानी फैल कर नहीं जा रहा, पानी ऊपर से छिड़का जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, जैसे कृत्रिम बारिश हो रही हो, जैसे हम कोई बारिश करवा रहे हैं, तो जैसे जैसे बारिश का पानी आके गिरता है ना ऐसे, वैसे ही फव्वारों के द्वारा भी पानी ऊपर से आकर गिरता है, और इस वाले सिस्टम को, इस वाले मेथड को क्या बोला जाता है, फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिस्टम। तो एक तो ये तरीका था, और ये तरीका कौन सा है, फव्वारा पद्धति वाला, फव्वारा पद्धति वाला। अब वो दो नंबर पर ले लो, कौन सा, ड्रिप पद्धति, तो ड्रिप वाला भी करवा देता हूं मैं, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास। नंबर दो, नंबर दो कौन सा है, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप पद्धति, ड्रिप पद्धति, ड्रिप सिस्टम। अब देखो ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में हम भी बोल सकते हैं ऐसे, बूंद बूंद की, बूंद बूंद की सिंचाई, बूंद बूंद की सिंचाई, बूंद बूंद की सिंचाई, मतलब एक एक बूंद को काम में लेना है। तो पहले तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ड्रिप पद्धति या ड्रिप सिस्टम के द्वारा उन क्षेत्रों में, उन खेतों में सिंचाई की जाती है, या उन जगहों पर पानी डाला जाता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ध्यान रखना, जहां पर पानी की कमी है ना वहां पर हम फव्वारा पद्धति नहीं लगा सकते, जहां पर पानी की कमी, पहले ही पानी नहीं है, तो पानी बहुत कम है, एक एक बूंद को भी काम में लेना है, तो उन क्षेत्रों में, उन जगहों में, उन खेतों में जहां पर पानी की कमी है, वहां पर हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, वहां पर तरीका अपनाया जाता है ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पद्धति, यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बूंद बूंद की सिंचाई, बूंद बूंद की सिंचाई। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको किया जाता है, बूंद बूंद की सिंचाई, ध्यान रखना, ये स्पेशल ध्यान रखोगे, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, जिन क्षेत्रों में किसकी कमी होती है, जल की कमी, जल की कमी, उन क्षेत्रों में जो सिंचाई की जाती है,
वो कौन से तरीके से की जाती है? ड्रिप पद्धति। ड्रिप पद्धति। अब इसमें कैसे होता है समझना ध्यान से। मान लो ये हमारा खेत है, अभी जैसे समझाया था, ठीक है, ये क्या हमारा खेत। अब लेकिन इसमें क्या किया जाता है, ये थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम था जो इससे पहले हमने पढ़ाई स्प्रिंकलर सिस्टम, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो क्या किया जाता है, ध्यान देना। मान लो पहले से हमने डिसाइड कर लिया इसके अंदर कौन सी फसल बोनी है या कौन सी सब्जी लगानी है, तो उसको उगाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है ऐसे। ये मिट्टी की मोटी दीवार, ये दूसरी मिट्टी की मोटी दीवार, ये तीसरी मिट्टी की मोटी दीवार, ये चौथी मिट्टी की मोटी दीवार। जैसे खेत है ना, उसमें मिट्टी को इकट्ठा कर करके दीवार बना देते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, डोली। डोली बोलते हैं ना, ऐसे डोली खींच दी, एक मिट्टी की दीवार बना दी ऐसे। तो ये मिट्टी की दीवार है। अब ये जो मिट्टी की दीवार ना, इसमें पौधा लगाया जाता है। मान लो अगर मैं बात करूं, ये जो ड्रिप सिस्टम है, हमने यहाँ पर मिर्च बो रखी है। क्या बो रखी है? मिर्च। तो ये मिर्च का पौधा है, ये दूसरा मिर्च का क्या है, पौधा है, ये तीसरा मिर्च का क्या है, पौधा है, ये चौथा मिर्च का क्या है, पौधा है। ऐसा ही हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये मिर्च का पौधा, ये मिर्च का पौधा, ये मिर्च का पौधा और ये मिर्च का पौधा। ऐसे यहाँ पर ये मिर्च का पौधा, ये मिर्च का पौधा, ये मिर्च का पौधा और ये मिर्च का पौधा। अब इसमें क्या करना है, मान लो यहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है और ये ट्यूबवेल आ रहा है, यहाँ से एक मेन पाइप जोड़ के ला रहे हैं, ये मेन पाइप आ गया और इस मेन पाइप को यहाँ ला के क्या कर दिया बंद। अब इसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी नलियां निकाली जाती है ऐसे। ये एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब निकाल दी ऐसे, ये दूसरी प्लास्टिक की ट्यूब निकाल दी यहाँ पर, ये तीसरी प्लास्टिक की ट्यूब निकाल दी यहाँ पर। अब नोटिस करना बेटा थोड़ा सा, ये जो प्लास्टिक की ट्यूब जा रही है ना, प्लास्टिक की ट्यूब, एक बार ध्यान देना, इस एक को समझा देता हूँ, बाकी ऐसे होता है। ये प्लास्टिक की ट्यूब, ये दूसरी प्लास्टिक की, सॉरी, ये प्लास्टिक की ट्यूब है। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर होल किया जाता है, ये जस्ट पास में, इसके ये जो मिट्टी की दीवार है ना, इसके जस्ट पास में, इसमें यहाँ पर होल होता है। अब ये पानी जस्ट इसकी जड़ में छोड़ा जाता है, इसमें यहाँ पर होल होता है, ये पानी जस्ट इसकी जड़ में छोड़ा जाता है, यहाँ पर होल होता है, ये पानी इसकी जड़ में छोड़ा जाता है। अब सोचो सर, यहाँ आप सोच रहे होंगे ऐसे कि सर ऐसे तो पानी बहुत सारा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें क्या सिस्टम किया जाता है। ये जो ट्यूबवेल होता है ना, ट्यूबवेल, इसके पास में मशीन लगाई जाती है और उस मशीन से प्रेशर सेट किया जाता है। ऐसे तो पूरा पानी चला जाएगा और ये जो प्लास्टिक की छोटे छोटे पाइप है वो तो फट जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक बिल्कुल छोटे से पाइप आते हैं इतने से, तो इसमें अगर पानी बहुत ज्यादा जाएगा तो प्लास्टिक के पाइप तो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन सारा पानी एक साथ नहीं भेजा जाता, यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है जिसमें प्रेशर सेट होता है, उस प्रेशर को सेट कर दिया जाता है कि इतने प्रेशर पर धीरे धीरे पानी जाता रहेगा, बिल्कुल कम पानी। इतना प्रेशर सेट होता है कि आप देख लो यहाँ पर जो पानी निकलेगा ना इन होल में से, वो पानी बिल्कुल बूंद बूंद के रूप में निकलता है। यहाँ से एक बूंद पानी निकला वो इसकी जड़ तक पहुंच गया, यहाँ से एक बूंद पानी निकला वो इसकी जड़ तक पहुंच गया, यहाँ से एक बूंद पानी निकला वो इसकी जड़ तक पहुंच गया। ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद से क्या होती रहती है, सिंचाई होती रहती है और ये पूरा खेत कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है, इसमें नमी बनी रहती है हमेशा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो फव्वारा सिस्टम होता है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, दूसरी जगह से उठाकर तीसरी जगह सेट कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ड्रिप सिस्टम में एक ही बार सेट किया जाता है, जब स्टार्टिंग में फसल बोई जाती है ना, उसी समय इस पूरे ड्रिप सिस्टम को एक बार फैला दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। अब इस ड्रिप सिस्टम को तभी उठाया जाता है जब भी फसल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है तब। तो ये था एक आधुनिक तरीका जिसके माध्यम से खेतों को पानी दिया जाता है, खेतों में सिंचाई की जाती है दो तरीके से, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे परंपरागत विधि, ये सारे मेथड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।